छपरा शहर के नगर थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरी की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई है। चोर शहर के मुख्य बाजार एवं चौक चौराहों पर बड़ी बड़ी चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पुलिस की रात्रि गश्ती किस कदर चल रही है। वैसे छोटी मोटी चोरी की घटनाओं को नज़रअंदाज कर दें तो 45 दिनों में चोरों ने 3 बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस बार चोरों ने छपरा शहर के गांधी चौक स्थित जगदम्बा हार्डवेयर दुकान को निशाना बनाया है। दुकान से करीब 5 से 7 लाख रुपए की चोरी की गई है। हालांकि समाचार परिसर तक इस मामले में पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी हुई है और प्राथमिकी की प्रक्रिया चल रही। उक्त दुकान छपरा शहर के साढ़ा ढाला निवासी पंकज शर्मा की बताई गई है, जहाँ बीती रात्रि चोरों ने पहले दुकान के ग्रिल गेट का ताला तोड़ा, जिसके बाद शटर भी तोड़ दी और शटर तोड़कर दुकान में घुसने के बाद दुकान के गल्ले में रखे नगद एवं अन्य आवश्यक कागजात समेत सहित पेंट का बाल्टी भी चोरी कर लिया। बता दें कि ठीक ऐसी ही ये घटना छपरा शहर के मोना चौक स्थित ब्याहूत एवं हार्डवेयर भंडार दुकान में विगत 28 मई को घटी थी। उक्त दुकान का भी शटर उसी अंदाज में तोड़ा गया था और गले में रखे नगद एवं आवश्यक कागजात के समेत पेंट के बाल्टी की चोरी की गई थी, जिसका पूरा वीडियो CCTV कैमरे में कैद हुआ था और दुकानदार राजकुमार जायसवाल के द्वारा चोरी का CCTV फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध कराया गया था। लेकिन चोर अभी तक पुलिस की आंख में धूल झोंक कर फरार हैं। वहीं 2 जुलाई को भी शहर के कटहरी बाग मोहल्ला स्थित लालजी भवन में चोरों ने बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जहां शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर OP गुप्ता के भाई एवं आभूषण व्यवसायी जयप्रकाश गुप्ता के घर से चोरों ने नकद एवं आभूषण समेत लाखों रुपए मूल्य के सामान की चोरी की थी। रिपोर्ट हलचल न्यूज 24 छपरा। पूरा चला गाड़ी उड़ी ले चला।